अगली बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर, कानोता थाना इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मृतका के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर बस्सी एसीपी सुरेश साखला और कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बगरारा निवासी उंगती देवी के रूप में शिनाख्त हुई है। कल शाम से ये महिला लापता थी। आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि महिला के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। एक लाश मिली है और ये मतलब गत शाम की कोई लाश है, डेड बॉडी है ये, और ये कीकर के पेड़ है, इनके बीच में पड़ी हुई है जी। तो ये बॉडी आइडेंटिफाई होगी, ये अपने बगराना की है, रेगरो की है, उगंती नाम है इसका। और बाकी मौके पर अभी है स्पेशल टीम। मृतका के शरीर पर चोट के निशान है क्या? हाँ, हल्के वगैरह लग रहे हैं चोट। और एवन संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। पुरुषोत्तम, विस्तार से जानकारी दें, क्या कुछ साफ हो पाया है इस खबर पर अब तक? जी भारती, मैं बता दूं, कानोता थाना इलाके के नया बगराना की घटना है, जहां पर अल सुबह झाड़ियों के बीच में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। स्थानीय निवासियों ने कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बस्सी एसीपी सुरेश आकला, कार्यवाहक थानाधिकारी जगदीश मीना मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। महिला के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, गले में फंदा लगा हुआ था और ये महिला कल शाम से 5 बजे से ही गायब थी। ये महिला पशु पक्षियों को चारा और अनाज डालने का कार्य करती थी रविंद्र मंच पर। कल शाम 5 बजे से लापता थी। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली। सुबह इसका शव मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि बस्ती सीओ सर्किल की बात की जाए तो काफी ऐसे मामले हैं जिन पे खुलासा नहीं हुआ है। पहले ही 2 मामले तो कानोता थाना इलाके के ऐसे हैं जो बोरे में बंद मिली महिला के शव मिले थे, उनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। इससे बड़ा मामला जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आया, पिछले रविवार को ही बस्सी थाना इलाके में एक महिला का मर्डर किया हुआ शव मिला था, जिसमें मृतका के परिजनों ने अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इसको अभी तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगाया और फिर ये नया मामला आ गया। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है कि कैसे इन ऐसे हत्याओं के मामले का ग्राफ को रोका जाए, ऐसे मामले को घटाया जाए। जी जी पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।